बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ दिन कबल ही ये घोषणा किया था कि बिहार के सीमांचल और पसमांदा जिला में वहां के लोगों के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर, दवाई और साथ ही साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का व्यवस्था करेंगे। जो आज सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इस वक्त जो है हैदराबाद की टीम पहुँच चुकी है। हैदराबाद के माजिद हुसैन साहब ने गुज़िश्ता कल यहाँ पर सारे व्यवस्था को लेकर सामानों को लेकर पहुँचे हैं और यहाँ पर अब स्वास्थ्य जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके हवाले कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो ख़ासतौर पर सीमांचल पसमांदा ज़िला है और यहाँ पर जो नीतीश हुकूमत के और नीतीश सरकार के जो विफलता साबित हो रहा है उनको ख़ासतौर पर ज़ोरदार झटका लगने वाला है। जहां दिगर सियासी पार्टी और साथ ही साथ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, खासतौर पर यहां कर जो स्वास्थ्य व्यवस्था का चरमराती विहाल है, ऐसे हाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है सपोर्ट करना यहां के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। फिलहाल जो बात करें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोचा दमन विधायक इजहार आसफी पहले से ही यहाँ पर फ्री एम्बुलेंस सेवा देते आ रहे हैं और साथ ही साथ और ऑक्सीजन की व्यवस्था भी लोगों को लगातार सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो देखा जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद की टीम यहां पर सारे सामानों के साथ पहुंच गई है, जहां पर ऑक्सीमीटर है, कुछ दवाइयां हैं, वेंटिलेटर है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये सारी सुविधाओं के साथ यहां पर पहुंचे हैं। और सीमांचल के लिए एक बड़ी बात है, पसमांदा ज़िला है जहां सरकार व्यवस्था नहीं दे पा रही है, वहां पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है हैदराबाद की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ के विधायक को सौंप कर लगातार प्रशासन के जो लोग हैं या जहाँ पर स्थानीय पीएससी डीएमसी है वहाँ पर जाकर के सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र में सपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है फिलहाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब इस कोरोना महामारी में लगातार नजरें टिकी हुई है और ख़ासतौर पर असुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से पूरी टीम भेज करके साबित कर दिया कि इस वक्त जो है हर मोड़ पे बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल के साथ है। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।